नमस्कार दोस्तों, आप पहुंचा है शनिवार और हर शनिवार हम अपने व्यूअर्स के लिए पूरे हफ्ते में हुई घटनाओं को ऐसे प्रश्नों के साथ लेकर हाजिर होते हैं जिससे कि वे सरल तरीके से पूरे हफ्ते में हुई घटनाओं को अच्छी तरह से जान सकें और समझ सकें। हम अपने व्यूअर्स का रखते हैं पूरा ध्यान और इसीलिए आसान तरह से प्रश्नों को लेकर आते हैं आपके सामने। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम अपनी आज की प्रश्नावली। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाल ही में किन तीन देशों की यात्रा पर गए हुए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 9 से 17 सितंबर तक तीन देशों की यात्रा पर रहे। ये तीन देश थे आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और स्लोवानिया। इस दौरान भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों देशों के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 से 11 सितंबर तक वे आइसलैंड में रहे, वहां से वे स्विट्जरलैंड गए और 15 सितंबर को वे स्लोवानिया पहुंचे। वे 17 सितंबर को भारत लौटे। इसी बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्विट्जरलैंड में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। आज का दूसरा प्रश्न, दुनिया की सबसे कठिन रेस में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया। दुनिया की सबसे कठिन रेस एंडोरोमन ट्रायथलन में भारतीय एथलीट मयंक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। वह इस रेस को जीतने वाले एशिया के पहले और दुनिया के 44वें खिलाड़ी हैं। मयंक हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने 463.5 किलोमीटर रेस को 50 घंटे और 24 मिनट में जीता। ट्रायथलन में तीन स्पर्धाएं होती हैं, दौड़, तैराकी और साइकिलिंग। मयंक ने 16 घंटे 35 मिनट में दौड़, 12 घंटे 28 मिनट में तैराकी व 13 घंटे 29 मिनट का समय साइकिलिंग में निकाला। मयंक को प्रभात एग्जाम यूट्यूब की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वे ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें। अगला प्रश्न, वियतनाम ओपन किसने जीता। बैडमिंटन खिलाड़ी सौरभ वर्मा ने इतिहास रचते हुए वियतनाम ओपन अपने नाम कर लिया। यह खिताब जीतने वाले वह पहले भारतीय हैं और जिस तरह से दोस्तों हमारे भारतीय हर जगह पर अपना परचम फहरा रहे हैं, निसंदेह ये हम सभी के लिए बेहद गौरव की बात है। उन्होंने चीनी खिलाड़ी सून फेई जियांग को हराया। सौरभ वर्मा का चौथा BWF सुपर 100 खिताब है। सौरभ वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में 38वें स्थान पर हैं। राष्ट्रीय चैंपियन सौरभ ने जापान के कोदाई नारो का, यू इगाराशी और मिनोरू कोगा को हराया। सौरभ वर्मा को प्रभात एग्जाम यूट्यूब की ओर से हार्दिक बधाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में ग्रेट गंगा रन 2019 का आयोजन कहां पर किया गया। हाल ही में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जल शक्ति मंत्रालय की ओर से नमामि गंगे द ग्रेट गंगा रन का आयोजन किया गया। इस मैराथन को केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन का उद्देश्य एक जन आंदोलन की शुरुआत कर लोगों को गंगा नदी एवं अन्य नदियों के प्रति जागरूक करना है ताकि हमारी नदियां प्रदूषित होने से बची रहें और उनका जल स्वच्छ रहे। इस मैराथन में बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आते हैं अगले प्रश्न पर, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है। दोस्तों टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को टॉप पर चुना गया है। 2020 की नई लीग तालिका का अनावरण 11 सितंबर 2019 को स्विट्जरलैंड में किया गया। ऑक्सफोर्ड अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाला ब्रिटेन का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो विश्व में 1200 से अधिक संस्थानों में रिसर्च, स्टडी और इनोवेशन की गुणवत्ता का आकलन करता है। इस रैंकिंग में भारत में 56 संस्थानों का नाम आया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग की दृष्टि से काफी प्रतिष्ठित माना जाता है। इसके तहत दुनिया के 92 देशों के 1,396 संस्थानों की रैंकिंग की जाती है। रैंकिंग में भारतीय यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़ने के साथ ही भारत पांचवा ऐसा देश बन गया है जिसकी ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग में जगह मिली है। आते हैं अगले प्रश्न पर, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 16 सितंबर 2019 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका में डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्मृति में स्थापित किया गया है।
डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के मुख्य सलाहकार पूर्व राजदूत टी पी श्रीनिवासन ने यह पुरस्कार शेख हसीना को प्रदान किया। यह पुरस्कार हर साल उन राजनेताओं को दिया जाता है जिन्होंने अपने देश के लिए दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए होते हैं, विश्व शांति, प्रेम एवं सहयोग का संदेश दिया होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के किस मंत्री ने यह कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी भारत का ही एक हिस्सा है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी भारत का ही एक हिस्सा है। उम्मीद है कि जल्द ही यह भारत का भौगोलिक हिस्सा भी बन जाएगा। इस दौरान विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले हमले की भी निंदा की और इन पर तुरंत रोक लगाने के लिए कहा। आते हैं अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना सबसे बड़ा अवार्ड किस देश की किशोरी को दिया है? दोस्तों, पर्यावरण हमारे पूरे विश्व के लिए बहुत ही अनिवार्य और इसको बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। पर्यावरण के लिए मुहिम चलाने वाली स्वीडन की मात्र 16 साल की किशोरी ग्रेटा थुनबर्ग को एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा सबसे बड़े अवार्ड एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियस से सम्मानित किया गया है। स्वीडन की रहने वाली ग्रेटा पिछले महीने नाव से अटलांटिक सागर को पार करके न्यूयॉर्क पहुंच गई थी। ग्रेटा ने कार्बन उत्सर्जन को बचाने के लिए विमान के रास्ते से जाने से मना कर दिया था। जब वह नाव से 2 हफ्ते की कठिन यात्रा करके न्यूयॉर्क पहुंची, तो वहां पर हजारों लोगों ने उसका स्वागत किया। ग्रेटा ने पुरस्कार लेने के बाद कहा कि यह पुरस्कार अकेले उनका नहीं बल्कि उन सभी लाखों युवाओं का है जिन्होंने पर्यावरण के लिए किसी न किसी दृष्टि से अपना योगदान दिया है। और आज का अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने हवा से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण किया? यह बहुत ही निंदनीय बात है कि पूरे विश्व में कुछ न कुछ ऐसी शर्मनाक घटनाएं हो जाती हैं जो मानवीयता को शर्मसार करती हैं। ऐसी ही घटनाएं हाल ही में हुई है सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर ड्रोन से हुए हमले के दौरान। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अमराको के अपकैक और कुरैस तेल संयंत्रों पर हुए हमले से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर खतरा बढ़ गया है। इस हमले के बाद पूरी दुनिया में तेल की कीमतों पर असर पड़ा है। इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और इसका असर भारत में भी देखने को मिला है। यहाँ पर भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। तेल संयंत्रों पर हुए इस हमले से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा, इसीलिए समस्या का हल पूरी विश्व बिरादरी को मिलकर हल करना होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर फिल्म महोत्सव में एंट्री के लिए नामांकित किया गया है? मोतीबाग डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर फिल्म महोत्सव में एंट्री के लिए नामांकित किया गया है। यह फिल्म उत्तराखंड के दूरस्थ गांव के किसान के संघर्ष पर आधारित है। इस फिल्म में बुजुर्ग किसान के बारे में दर्शाया गया है। जिले के विकास खंड कलजी खाल स्थित सांगुड़ा गांव में बुजुर्ग किसान विद्यादत्त शर्मा विगत 52 सालों से पहाड़ की सजीवता को संजोए हुए हैं। उनके इसी संघर्ष को मोतीबाग डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पर। दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे टावर का अनावरण कहां पर किया गया? श्रीलंका ने दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे टावर का अनावरण किया। इसकी लागत $100 मिलियन है। इसे 80% चीन द्वारा विवादास्पद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत वित्त पोषित किया गया। यह कोलंबो शहर के मध्य में स्थित 350 मीटर लंबा तथा 17 मंजिला लोटस टावर है। यह टावर 30,600 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह परियोजना वर्ष 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के समय शुरू की गई थी। आज का अगला प्रश्न, किन्हें आंध्र प्रदेश के पहले लोकायुक्त के रूप में शपथ दिलाई गई है? जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी ने आंध्र प्रदेश राज्य के पहले लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। उन्हें राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विजयवाड़ा के एक कार्यक्रम में शपथ दिलाई। जस्टिस लक्ष्मण रेड्डी अगले 5 साल के लिए यह पद संभालेंगे। वर्ष 2014 में राज्य के विभाजन के बाद से पदभार संभालने वाले वे पहले लोकायुक्त हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विदेश में किसी भी भारतीय दूतावास में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक कौन बनी है? विंग कमांडर अंजलि सिंह विदेश में किसी भी भारतीय दूतावास में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक बन गई हैं। वह रूस में भारतीय दूतावास में शामिल हो गई हैं। वह डिप्टी एयर अटैच के रूप में अपने नए कार्य में शामिल हुई हैं। उन्होंने 17 वर्षों तक भारतीय वायुसेना में सेवा की है और वे
MiG-29 विमानों में प्रशिक्षित हैं। प्रभात एग्जाम क्यूब की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई। आते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश ने ई सिगरेट, ई हुक्का और ई चिलम पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है? हाल ही में भारत सरकार ने ई सिगरेट, ई हुक्का और ई चिलम जैसे इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब देश में इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम यानी एंड्स बेचना, बनाना, इस्तेमाल करना, भंडारित करना और इनका विज्ञापन करना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। इस मामले में पहली बार पकड़े जाने पर 1 साल की सजा या 1,00,000 रुपए जुर्माना अथवा दोनों, और दोबारा पकड़े जाने पर 3 साल की सजा और 5,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हमारे दर्शक अवश्य जानना चाहेंगे कि आखिर ई सिगरेट है क्या। ई सिगरेट बैटरी से चलने वाली एक डिवाइस होती है जिसमें निकोटीन के घोल का धुआं स्मोकिंग में इस्तेमाल किया जाता है और यह भी बेहद हानिकारक होती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस महिला पहलवान ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर 2020 टोक्यो ओलंपिक का क्वालिफिकेशन हासिल किया? हाल ही में विनेश फोगाट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर 2020 देशों के टोक्यो ओलंपिक का क्वालिफिकेशन प्राप्त कर लिया है। उन्होंने कांस्य पदक के मुकाबले में यूनान की मारिया प्रेवोलाराकी को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया। इस पदक के साथ ही विनेश अब विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई हैं। उनसे पहले अलका तोमर ने 2006 में, गीता फोगाट और बबीता फोगाट ने 2012 में तथा पूजा ढांडा ने 2018 में इसमें कांस्य पदक प्राप्त किया था। विनेश अब भारत की सबसे सफल पहलवानों में से भी एक बन गई। और आज का अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों में बसने वाले सबसे अधिक किस देश के लोग हैं? संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों में बसने वाले सबसे अधिक भारतीय हैं। 2019 में 1.75 करोड़ की आबादी के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर मैक्सिको और तीसरे स्थान पर चीन है। आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक प्रवासियों की संख्या करीब 27.2 करोड़ तक पहुंच चुकी है। आते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस मंत्री ने स्वदेशी निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं। तेजस में उड़ान भरकर उन्होंने एक इतिहास रचा है। इससे पहले पूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने विमान सुखोई में उड़ान भरकर इतिहास रचा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं। उन्होंने तेजस में उड़ान भरकर एक इतिहास रच दिया है। उनसे पहले पूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुखोई में उड़ान भरी थी। जहां सुखोई 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है, वहीं तेजस 1 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी पर भरोसा जताने और उसे प्रमोट करने के लिए तेजस में उड़ान भरने का निर्णय लिया था। आते हैं अगले प्रश्न पर। 54 घंटे में बिना रुके तैरकर 4 बार इंग्लिश पार करने वाली पहली महिला तैराक कौन है? अमेरिकी सारा थॉमस बिना रुके तैरकर 4 बार इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला तैराक बन गई हैं। उन्होंने 54 घंटों में 209 किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान उन्होंने हर आधे घंटे में केवल इलेक्ट्रॉल और कैफीन युक्त तरल पदार्थ लिया। सारा ने इंग्लैंड के कोला रोडो से तैरना शुरू किया था और अपना 4था चक्कर डोवर तट पर खत्म किया। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि सारा ने 1 साल पहले ही ब्रेस्ट कैंसर से जंग जीती है और उन्होंने अपनी जीत को कैंसर से पीड़ित उन लोगों को समर्पित किया है जो हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं और हर दिन को जिंदा दिली से जीते हैं। और दोस्तों, आप पहुंचे हैं हम अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न। 5वीं अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में 17 से 19 सितंबर तक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा किया गया। ICCR के अध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धि के अनुसार इस कार्यक्रम में थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, त्रिनिदाद एवं टोबैको और फिजी सहित 8 देशों के कला समूहों ने हिस्सा लिया। इस महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य भारत की सौम्य संपदा के जरिए सांस्कृतिक आयामों को पेश करना है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी उद्देश्य है कि सभी देश मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की सहायता से सभी प्रगति कर आगे बढ़े। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरे हफ्ते की प्रश्नावली।
उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी पूरे हफ्ते की हुई घटनाओं पर आधारित यह प्रश्नावली अवश्य पसंद आई होगी। आपकी कोई भी जिज्ञासा या कोई सुझाव हो तो आप हमें अपनी जिज्ञासा और सुझाव भेज सकते हैं। और दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए नए नए प्रश्न बनाकर लेकर आते रहेंगे ताकि हमारे सभी व्यूअर्स जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वे परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। नमस्कार।